ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। आम्ही 6 जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार, मवियात जाण्याचा प्रश्नच नाही, उद्धव ठाकरेंच्या भेटीनंतर राजू शेट्टींची प्रतिक्रिया। आम्ही 6 जागांवर स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवणार आहोत असे वक्तव्य राजू शेट्टी यांनी केलं। राजू शेट्टी यांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतल्यानंतर ते प्रसार माध्यमांशी बोलत होते। शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर उद्धव ठाकरेंशी चर्चा झाली। यावेळी आमच्या दोघांच्या भेटीत राजकीय चर्चा झाली नाही असं शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं। मुद्दे पे मदद मांग रहे हैं, राजकीय भूमिका आपकी अलग है, ना आप इंडिया अलायंस के साथ है ना महाविकास आघाड़ी के साथ। क्योंकि हमने देखा है, हम गठबंधन करके देखा है कि जब नीतियां निर्धार होती है तो किसानों को बेदखल किया जाता है, इसलिए हमने तय किया है कि अपने बलबूते हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पे कुछ चर्चा हुई क्या? नहीं, हाथ कलंगले जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र है वो छोड़ने की महाविकास आघाड़ी की तैयारी है? एक तो महाविकास आघाड़ी में फिर शामिल होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि हमने जो आक्षेप लिया था, जो मुद्दे उठाए थे, उसका जवाब आज तक हमें मिला नहीं। 2 साल पहले हमने गठबंधन छोड़ा था और उसमें जो मुद्दे उठाए थे, 6 पन्ने का जो लेटर मैंने शरद पवार जी को लिखा था, उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, इसलिए वापस मविया में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लोकसभा में कितने सीटों पर आप उम्मीदवार खड़े? हम 6 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं और हम वहाँ पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। अंतिम निर्णय है या इसके जी ये हमारा अंतिम निर्णय है। हाथकनंगले जहाँ मैं खुद लड़ता हूँ, कोल्हापुर, सांगली 2019 में हम लड़े थे, माड़ा 2014 में हम लड़े थे और परभणी और बुलढाणा। एक तो जो अदानी उद्योग समूह ने जो विदेश से कच्चा खाद्य तेल आयात किया, उसका असर सोयाबीन के दाम पर बहुत बुरी तरह से पड़ा है। पिछले साल किसानों ने 9,000 रुपये क्विंटल दाम से सोयाबीन बेचा था, लेकिन इस साल 4,000 तक सीमित रह गए। 2000 साल में, इसका मतलब 24 साल पहले हम 4,000 रुपये से दाम पे सोयाबीन बेचते थे, आज वही 24 साल के बाद भी अगर वही दाम मिलेगा तो लागत 10 गुना बढ़ गई है। तो इसका नतीजा ये हुआ है कि मराठवाड़ा और विदर्भ में 2.5% आत्महत्या बढ़ गई है। इसकी जिम्मेदारी सरकार की है, केंद्र सरकार की नीति की है, और ये नीति इसलिए अपनाई गई क्योंकि अदानी उद्योग समूह ज़्यादा तादाद में बाहरी देश से खाद्य तेल आयात करता है और उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 5% घटाई गई है और 2025 तक वो घटाई गई है, और इसीलिए सोयाबीन को दाम नहीं मिल रहा है और इसलिए किसानों की आत्महत्या बढ़ रही है। कोल्हापुर जिले में एक जो बांध है नदी पे, वेदगंगा नदी पे, उसके ऊपर एक अदानी का प्रोजेक्ट आ रहा है और वो प्रोजेक्ट के जरिए 8,300 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है उसमें 2,100 मेगावाट की बिजली बननी जा रही है और वो पूरा का पूरा पानी अरबी समुद्र में जा रहा है। इसका मतलब किसानों का बहुत नुकसान होगा। जो कर्नाटक का को पानी देने की हमारी जिम्मेदारी है, उसका मतलब बाकी जो कालमवाड़ी या राधानगरी या अन्य जो हमारे बांध है उसमें से पानी देना पड़ेगा, तो सिंचाई को पानी कम पड़ेगा वहाँ। एक तो पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और अदानी जैसे उद्योगपतियों को खुश करने के लिए दिल्ली से ये नीतियाँ जो निर्धारित हो रही है उसके खिलाफ सबको मिल के लड़ने की आवश्यकता है। इसलिए मैं उद्धव जी को मदद मांगने आया था, क्योंकि उन्होंने मुंबई में अदानी उद्योग समूह के खिलाफ, धारावी के खिलाफ जो आंदोलन किया है, तो इसका मतलब अदानी का जो इन्फ्लुएंस शहर में हो रहा है वो गांव में भी हो रहा है, इसलिए गांव के और शहर के लोग मिलके लड़ना चाहिए, इसलिए मैं मिला था।